नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर डिवीजन अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपको कैसे भरना है ताकि एक भी गलती ना हो। जी हाँ, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, पूरा जो है ना प्रोसेस बताएंगे कहाँ क्या आपको भरने हैं ताकि एक भी गलती आपका ना हो और साथ ही एक ही बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अटेस्टेशन फॉर्म जो है ये आपको भरने हैं। ध्यान रहे कि अटेस्टेशन फॉर्म की 3 प्रति आपको के ले जाने हैं। इसमें जो है ना तीनों में 5x7 सीएम का फोटोग्राफ जो है ना आपका यहाँ पे होना चाहिए। ध्यान रहे फोटो जो है ना ब्लू कपड़ा में आप नहीं पहन के खिंचाइएगा। बैकग्राउंड आपका कैसा भी चलेगा लेकिन ब्लू कपड़ा में फोटो नहीं खिंचाइएगा। इसमें क्या होता है कि जब मोहर लगाते हैं ना उस पर, फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। और पासपोर्ट साइज फोटो जो है ना 20 अवश्य रूप से बनवा लीजिएगा, और 3 जो है ना ये आपका बड़ा वाला फोटो आप अवश्य रूप से बनवा लीजिएगा। तो खड़गपुर डिवीजन में जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, टीवी और साथ ही जो है ना ट्रेनिंग की प्रक्रिया से संबंधित वीडियो जो है ना हमारे चैनल पे लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी आपको हमारे चैनल पे लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटे को बटन को दबा लीजिएगा। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये जो फॉर्म आपके सामने दिख रहा है ये अटेस्टेशन फॉर्म है। पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया, आई बात कर लेते हैं ये चौथा पेज हो गया। इन चारों पेज को जो है ना सावधानी पूर्वक आपको भरने हैं। ब्लू या ब्लैक दोनों पेन यहाँ पे आपका चल सकता है अटेस्टेशन फॉर्म में। कैपिटल और स्मॉल मिक्सर भी आपका चल सकता है या कैपिटल लेटर में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अटेस्टेशन फॉर्म में आपको जेन्युइन चीजें जो है ना आपको भरने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए यहाँ पे फोटोग्राफ जो चिपकाने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 5x7, जी हाँ 5x7 का बड़ा वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ से ऊपर जो पासपोर्ट साइज से ऊपर जो होता है वो आपको चिपका देने हैं। 3 फॉर्म में आपको तीनों में फोटो चिपका देने हैं और यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर आपको जो है ना यहाँ पे कर देने हैं फोटो पे, और डेट यहाँ पे आपको नहीं डालने हैं। और वार्निंग ये जो दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं, यही लिखा हुआ है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं देना है। कहाँ कितने दिनों तक काम किए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब सारे चीज जो है ना मांगे जाएंगे या कौन सी चीजें नहीं मांगे जाएंगे पूरा रूप से यहाँ पे देखिएगा। तो पहले पेज में यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर क्रॉस आपको कर देने हैं। इसके बाद एक नंबर में ध्यान दीजिएगा, ये एक नंबर पॉइंट में आपके सामने जो है ना बताने वाले हैं। एक नंबर पॉइंट में सरनेम और यहाँ पे जो है ना नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम दे दीजिएगा। मान लीजिए आपका नाम एग्जांपल समझिए रवि नाम है तो रवि इसमें डाल दीजिएगा, कुमार आपका सरनेम में यहाँ आ जाएगा कुमार, तो रवि कुमार हो गया। किसी किसी कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट और मिडिल और जो है ना लास्ट नेम भी है, वो क्या करे तो ध्यान दे, जैसे किसी कैंडिडेट का नाम यहाँ पे मैं आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए रवि कुमार शाह नाम है तो रवि यहां पे डाल दीजिएगा और कुमार यहां डाल दीजिएगा और शाह जो है ना यहां पे आप सरनेम में डाल दीजिएगा। इसी तरह जो है ना अच्छे से या तो यहां पे जो है ना आप पूछ सकते हैं वहां पे फॉर्म जो भरे जाते हैं, फर्स्ट और लास्ट नाम वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आगे देखिए बात कर लेते हैं दो नंबर, ध्यान से देखिएगा दो नंबर में क्या क्या चीजें जो है ना आपको भरने हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पे जो है ना आपको विलेज डाल देना है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको थाना जो कि आपका पुलिस स्टेशन है वो डाल देना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है, इसके बाद यदि वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर भी आप डाल सकते हैं, और साथ ही देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हाउस नंबर में तो हाउस नंबर डाल सकते हैं, और विद पिन कोड के साथ और एस्टेट का भी यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यदि आप घर में ही रह रहे हैं बहुत दिनों से तो आपको प्रेजेंट एड्रेस और साथ ही जो है ना थ्री का ये जो होम एड्रेस है इन दोनों में समान चीज भर दीजिएगा। ऊपर में जो भरिएगा वही नीचे में भी भर दीजिएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप प्रेजेंट में दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस जो है यहाँ आपको डाल देने हैं विद पिन कोड के साथ। ये चीज दो, एक और दो तीन आपको समझ में आ गया होगा। और तीन का ये बी जो देख रहे हैं ना, यदि आप पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी अन्य कंट्री में आप रहे हैं तो उनका यहाँ पे विवरण डालना होता है, इसे आप छोड़ दीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे चार नंबर में ध्यान से देखिएगा, 4, 5 और 6 तीनों पे ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर में आधार कार्ड नंबर यदि अवेलेबल हो तो, आधार नंबर किनके पास अवेलेबल नहीं, सभी के पास है,
तो आधार नंबर डाल दीजिएगा और पैन नंबर यदि अवेलेबल हो तो पैन नंबर सभी के पास अवेलेबल है तो पैन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। नेशनलिटी यहाँ पे जो है ना आपको भारतीय, यहाँ पे जो है ना भारतीय यानी कि भारतीय डालना है आपको, इंडियन अंग्रेजी में आपको डाल देने हैं कैपिटल लेटर में। स्मॉल भी आपका चलेगा, मान लीजिए फर्स्ट आप आई डाल दिए कैपिटल, बाकी एन डाल दिए छोटी, तो यहाँ पे स्मॉल तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैपिटल लेटर में ही भरिए, अच्छा रहेगा, साफ साफ दिखेगा। सात का ए नंबर और बी नंबर और सी नंबर यहाँ पे कन्फर्म अच्छे से भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 01/01/1995 किसी का है तो 1995 यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रेजेंट एज बोला जा रहा है, तो 2022 तक देख लीजिए आपका कितना एज हो रहा है, तो जैसे कि 25 इयर्स हो रहा है तो 25 इयर्स आप ऐसे लिख सकते हैं। और साथ ही मैट्रिक, ये सी नंबर सात का सी ध्यान दीजिएगा, आपका आप जब मैट्रिक किए थे उस समय आपका उम्र क्या था, उम्र जो है ना उस समय क्या था वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। मान लीजिए आप मैट्रिक 2012 में किए हैं, एग्जांपल पे समझिए 2012 में किए हैं और जो है आपका डेट ऑफ बर्थ 1997 है, मान लीजिए 1997 है, इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका 15 ईयर जो भी आपका है वो आपका इयर्स निकल के आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट रूप से सात नंबर तक यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अटेस्टेशन का फॉर्म नंबर प्रथम जो है ना आपके सामने पूरा बता दिए हैं, कहीं गलत नहीं होगा। आइए दूसरे पेज पे चलेंगे, और ये जो है ना भरा हुआ, ये जो है भरा हुआ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे बखूबी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आठ नंबर पे, आठ का ए नंबर पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो है ना कहाँ जन्म हुआ है और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों तीनों चीज देना है। कहाँ जन्म हुआ है तो गांव का नाम डाल दीजिएगा इतना में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद किस स्टेट से हैं तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, जैसे बिहार से हैं तो बिहार यहाँ पे डाले हुए हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे गांव का नाम, या तो आप जो है ना डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम और यहाँ पे अपना जो है ना स्टेट डाल सकते हैं। इसके बाद बी नंबर में भी वही बोला जा रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम और साथ ही कौन से स्टेट से वो डाले हुए हैं। सी नंबर में ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट और साथ ही जो है ना यहाँ पे स्टेट आपके फादर का ओरिजिनली जो है कहां से बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम और साथ ही यहाँ पे डाल दीजिएगा जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं बिहार, और ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट का नाम, ऐसे ही अच्छे से डाल दीजिएगा। आठ नंबर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नौ का ए और बी नंबर में ध्यान से देखिएगा, नौ का एक नंबर में योर रिलीजियन बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो है ना आप जैसे कि मुस्लिम है तो इस्लाम डालिएगा, इस्लाम डालिएगा, इस्लाम धर्म हो जाएगा, और हिंदू है तो हिंदू लिख दीजिएगा यहाँ पे, और साथ ही सिख है तो सिख, बौद्ध है तो बौद्ध, ईसाई है तो ईसाई, रिलीजियन हो जाएगा यहाँ पे। बी नंबर में आपको ध्यान देना है, यदि आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे यस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। जनरल वाले यानी यूआर वाले कैंडिडेट यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे। नो का बी नंबर आपको समझ में आना चाहिए, जो ये यूआर के कैंडिडेट है उसको यस यहाँ पे लिखना नहीं है, एससी एसटी ओबीसी वाले है कैंडिडेट यहाँ पे लिख सकते हैं। 10 नंबर पॉइंट में आपको अच्छे से पढ़ना है, 10 नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जब आपका उम्र 21 वर्ष था उसके बाद 21 वर्ष के उम्र के बाद, जब मान लीजिए 21 वर्ष आपका उम्र हो रहा है, इसके बाद मान लीजिए आपने दिल्ली में एक वर्ष बिताया है, दो वर्ष मान लीजिए कोलकाता में बिताया है, या एक वर्ष फिर आप जो है ना मुंबई में बिताए हैं, जहां जहां एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक बिताए हैं उसका विवरण यहाँ पे आपको डालने होंगे। ध्यान दे, एक नंबर ऐसे करके दो नंबर जहां जहां बिताए हैं उस तरह से डाल सकते हैं, यदि आप घर में ही रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, एनए करके, और उसके बाद आपको यदि आप घर पे ही रहे हैं तो एनए कर दीजिएगा, ऐसे एनए कर दीजिएगा और ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका हो गया 10 नंबर, आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात कर लेते हैं 11 नंबर, 11 नंबर पे आप खास तौर पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर पे ये है कि आपके पिता और माता और साथ ही संरक्षक, इसमें अपने वाइफ यानी कि पत्नी है तो पत्नी का नाम और साथ ही जो है ना यहाँ पे नेशनलिटी, अब देखिये फादर का नाम यहाँ पे अच्छे से डाल दीजिएगा, ऊपर और नीचे करके भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। मदर नेम भी आपको डाल देने हैं और यहाँ पे नेशनलिटी बताना है कि इंडियन है या नहीं, इंडियन आपको डाल देने हैं, और पहले से बर्थ यहाँ पे आपको डालना है कहाँ पे जन्म हुआ है,
तो डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, पिता का और माता का अच्छे से डाल दीजिएगा। उसके बाद आपके पिता का ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पे जैसे फार्मर है तो फार्मर डाल दिए, हाउस वाइफ है मदर तो हाउस वाइफ डाल दिए। अब देखिए फादर और मदर का एड्रेस, फादर और मदर का यहाँ पे एड्रेस जो है ना पिन कोड के साथ छोटे छोटे जो है ना यहाँ पे लिखिएगा, आ जाएगा। फिर पर यहाँ पे जो है परमानेंट होम एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस में यहाँ पे परमानेंट होम एड्रेस आपको डाल देने हैं। और साथ ही यहाँ पे देखिए कदे यदि कहीं पे जॉब किए हैं वो भी आपका यहाँ पे, या कौन से पोस्ट है वो सब जो है ना यहाँ पे मेंशन करना होता है, या डॉक्टर है वकील है तो यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं, या फार्मर है तो फार्मर, या हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, इस तरह आप डाल दीजिएगा। ये 11 नंबर कंप्लीट हो गया। आइए इसी तरह जो है ना 12 नंबर को देख लेते हैं, 12 नंबर में क्या कुछ कहता है। तो 12 नंबर में यह है कि आपके मान लीजिए आपके पुत्र या पुत्री बाहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं या अदर कंट्री में रह रहे हैं, तो उनका यहाँ पे विवरण आपको डालने हैं। एक पुत्री, दो पुत्री, जो भी जितने पुत्री या पुत्र है उसका विवरण यहाँ पे डालने हैं। यदि आपके पुत्र या पुत्री नहीं है तो या नहीं बाहर में नहीं रहते हैं तो यहाँ पे एन ए ऐसे लिख दीजिएगा और ऐसे खींच दीजिएगा, 12 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर से एक बार और देख लीजिए, 8 नंबर में बता चुके हैं क्या क्या करना है, और 9 नंबर यहाँ पे आपका बता चुके हैं किसको यस लगाना है 9 के बी में, किसको नहीं लगाना है। वीडियो को यदि स्किप करके देखें तो पीछे करके देख लीजिएगा। ये हो गया 2 नंबर पेज आपका कंप्लीट। आइए बात कर लेते हैं 3 नंबर पेज में आपको क्या कुछ भरने हैं। तो 3 नंबर पेज में 13 नंबर पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर पॉइंट पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको शो कराने हैं आपका, और उसमें भी स्कूल और कॉलेज, उसमें भी 15 साल की अवस्था के बाद। यदि आपका 15 साल में आपका मैट्रिक हुआ है तो मैट्रिक का डिटेल डाल दीजिएगा, यदि मैट्रिक से ऊपर किए हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे देख लीजिए। मैट्रिक से 15 साल से पहले कोई 14 साल में मैट्रिक कर लिया है तो उसका डिटेल यहाँ पे नहीं डालना। 15 साल से लेके ऊपर जितना भी आज तक कोई भी डिग्री डिप्लोमा जो भी आप किए हैं सारा का विवरण आपको यहाँ डालना है। जैसे 1 नंबर डाल दिए, इसमें क्या है कि स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम जो भी है फुल एड्रेस के साथ इतना में ही आपको छोटे छोटे करके डाल देने हैं। दूसरा है तो दूसरा भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग जो है ये कब एडमिशन हुआ था, कब कॉलेज प्रत्याग किए, कब निकले हैं, तो यहाँ पे यदि महीना पता है तो महीना डाल सकते हैं, उसके बाद यदि इयर्स पता है तो इयर्स डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए 8वां महीना 2012 डाल दिए, 7वां महीना 2014 में निकले तो ये डाल दिए हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। आप वर्ष भी डाल सकते हैं, यदि महीना पता है डेट पता है तो आप डाल सकते हैं। एग्जामिनेशन पास यहाँ पे बोला जा रहा है, कौन से एग्जाम आप पास किए हैं, तो यहाँ पे मैट्रिक 10th डाल दिए, यहाँ पे आईटीआई है तो आईटीआई यहाँ पे डाल दिए हैं। तो 13 नंबर कंप्लीट रूप से हो चुका है। आइए 14 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 14 नंबर पॉइंट क्या कहता है, 14 नंबर पॉइंट ये कहता है कि यदि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी आप जॉब किए हैं, सेमी गवर्नमेंट या साथी काजी गवर्नमेंट या बॉबी, ये सब अलग अलग होता है, तो यदि आप बाहर में कहीं भी जॉब किए हैं तो उसके लिए सेक्टर अंडरटेकिंग सब किस वजह से आप छोड़े हैं तो उसका विवरण यहाँ पे डालना होगा, कौन से पोस्ट पे थे, कौन सा एड्रेस पे थे। यदि आप कहीं पे जॉब नहीं किए हैं तो आपको एनए लगा देना है, कि जिस तरह यहाँ पे एनए लिखे हुए हैं उसके बाद ऐसे खींच देना है, तो आप 14 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। किस वजह से आपने मान लीजिए कहीं जॉब किया है तो किस वजह से आपने रिजाइन दिया है तो वो आपको डालने होंगे। आगे देखिए 14 नंबर का बी नंबर पॉइंट यहाँ पे जो है ना रूल नियम जो है ना आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया गया है। कभी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी एग्जाम में आपको बहिष्कृत किया गया है या बाहर निकाला गया है, कोई दंडित किया गया है, कोई केस चल रहा है आप पे, वही यहाँ पे 14 नंबर में जो है ना रूल नियम बताए गए हैं। और 15 का ए में यहाँ पे यस और नो में आपको जवाब देने हैं। तो 15 का ए में यहाँ पे 1 नंबर में आपको ध्यान देना है, ए बी सी डी एच तक यहाँ पे है, तो यहाँ पे सभी में यदि आपको कभी मान लीजिए डिटेंशन में नहीं रखा गया है, कभी अरेस्ट नहीं किया गया है, या किसी भी आप पे मुकदमा नहीं चल रहा है, किसी भी कोर्ट में केस लंबित नहीं है, सभी जगह से आप क्लियर हैं, कोई आपको टेंशन नहीं है, और साथ ही जो है सॉरी टेंशन बोल दे यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में या कहीं से बहिष्कृत नहीं किया गया है, तो सभी में आप यहाँ पे 9 लगाइएगा। 9 पे जो है ना यस को ऐसे काटिएगा, ध्यान रहे यस को ऐसे काट दीजिएगा, और 9 बच गया तो 9 के आगे जो है ना ऐसे आप टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही है। खड़गपुर डिवीजन में जिन कैंडिडेट
कैंडिडेट का यहाँ पे हुआ है सिलेक्शन कंप्लीट रूप से, और उनका ही जो है ना ये फॉर्मेट है, कंप्लीट रूप से इनका सिलेक्शन हो चुका है पूरा 15 का, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे, चल देते हैं 16 नंबर पे, यानी कि पेज नंबर आपका लास्ट आ गया, यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, पेज नंबर लास्ट आ गया। यहाँ पे क्या है कि दो वो लोकेलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपको जानता हो पहचानता हो, गांव वाले व्यक्ति होने चाहिए, गांव के दूसरे गांव वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए। दो व्यक्ति के यहाँ पे केवल नाम मांगा गया है, एड्रेस नहीं मांगा गया है, कोई आधार कार्ड कॉपी इसका नहीं मांगा गया है। दो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आपसे परिचित हो, आपको जानता हो और साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन हो। तो इन दो व्यक्ति से पूछा जाए आपके चरित्र के बारे में या आपको पहचानने के बारे में कि ये इनके पुत्र हैं कि नहीं, यहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं, वो अच्छे से बता दे, उनका ही यहाँ पे आपको नाम डाल देने हैं। ध्यान रहे 16 नंबर में कंप्लीट रूप से आपको समझ में आ गया हो, चाचा ताऊ या आसपास जो भी गांव के हैं उनका नाम डाल सकते हैं, अपने घर वाले मेंबर का यहाँ पे नाम नहीं डालिएगा। डिक्लेरेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नीचे में यही डिक्लेरेशन यही लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा उपरोक्त में दिए गए जानकारी सभी सत्य है, यदि गलत पाया जाता है तो हमारे उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा ही यहाँ पे डिक्लेरेशन है। तो ध्यान रहे यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी आपका सिग्नेचर है सिग्नेचर कर देना है, डेट यहाँ पे डाल देना है, रिपोर्टिंग जिस दिन गए करने के लिए उस दिन का वहां पे डेट डालिएगा, और पहले इसमें आप खड़गपुर यहाँ पे डाल दीजिएगा। यदि कोई कैंडिडेट पहले से भर लिए हैं डेट या अपना अपना पहले से गांव का नाम या शहर का नाम डाल दिए हैं तो उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ये फॉर्म आपका वहां पे एक्सेप्ट होगा। तो और नीचे में आपको यहां पे कहीं कुछ नहीं करना, ये ऑफिस द्वारा भरा जाएगा। तो 1 से 4 नंबर पेज तक कंप्लीट रूप से जो है ना बता दिया आपके सामने अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरना है, कहीं भी त्रुटि नहीं होगा, बस ऐसे ही आपको भर के जो है ना वहां पे सबमिट करने हैं। टोटल 3 अटेस्टेशन फॉर्म आपको वहां पे भर के ले जाने हैं, या तो वहां पे आप जाके भर सकते। किसी के मन में यदि शंका हो या कोई सेशन का प्रॉब्लम हो या तो यहाँ पे एंट्रिंग डेट का प्रॉब्लम हो या जो है ना यहाँ पे आपका पासिंग ईयर का प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे जो है ना जितना जानते हैं उतना यहाँ पे भर लीजिएगा, बाकी को छोड़ के वहाँ पे चले जाइएगा, वहाँ पे सर आपको जो है ना हेल्प करेंगे भरने में। लेकिन ध्यान रहे जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छे से समझ में आता है तो आप भर लीजिएगा, एक भी गलती आपको नहीं करना है। उम्मीद करते हैं खड़गपुर डिवीजन में चल रहे भर्ती प्रक्रिया में अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर जो है ना जितने भी कंफ्यूजन होंगे सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। और साथ ही यदि इंफॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और बात कर लेते हैं, वीडियो को आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियो में अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा मोटिव हम भी हो जाते हैं और आप लोग को भी अच्छा लग जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दीजिए हमें इजाजत, जय हिंद जय भारत।